प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्वेस्ट इंडिया एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, ये ज्योग्राफी का पार्ट टू है। मैं बात कर रहा हूं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 के पेपर की, जो 22 मई 2019 को हुआ था। आज इसकी लास्ट डेट है। यदि आपका कोई भी रॉन्ग आंसर है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, यानी कि अपना करेक्ट आंसर आप सबमिट कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं आपके सामने ये दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, जो है 52 से लेके 100 क्वेश्चन तक। इससे पहले भी हम 0 से लेकर यानी 1 क्वेश्चन से लेकर 51 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। यदि आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप आई बटन में जाके उसको क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। हम इसमें कवर करने वाले हैं 52 से लेकर 100 तक, और इसके अंदर हम क्विक इसका सॉल्यूशन करेंगे, ताकि आपने कोई भी ऑब्जेक्शन यदि उठाना है या फिर वेबसाइट के ऊपर सबमिट करना है तो आपको उसके बारे में आसानी हो सके। तो आइए, किसी प्रकार की देर न करते हुए इसको हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और ये है क्वेश्चन नंबर 52, व्हाई द स्काई इज क्लियर एंड क्लाउडलेस इन एरिया ऑफ डिसेंडिंग एयर। इसका करेक्ट आंसर की यदि बात करें तो की के अनुसार है, कंडीशन आर नॉट फेवरेबल फॉर द कंडेंसेशन। ये की के अनुसार करेक्ट आंसर है, परंतु मुझे लगता है कि लैक ऑफ द ह्यूमिडिटी। इसका एक पूरा प्रोसेस क्या होता है, जब किसी भी माउंटेन एरिया के ऊपर से हवा गुजर के वापस नीचे उतरती है तो गर्म हो जाती है, और गर्म हो जाती है तो उसमें ह्यूमिडिटी की कमी हो जाती है, यानी कि सैचुरेशन लेवल तक वो नहीं पहुंचती है, जिसके कारण बारिश नहीं होती है और स्काई क्लियर हो जाता है और क्लाउड लेस हो जाता है। परंतु यहाँ पे की के अनुसार ये दे रखा है। यदि आपको सही लगता है तो आप इसमें कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन इसमें, कौन सा आंसर इसमें सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द सरफेस ऑफ द विंड इन फेरल सेल आर वेस्टर्लीज। इसके अंदर कोई भी डिलेमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मानसून रीजन, और ये वेस्टर्न यूरोपियन रीजन, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, और क्वेश्चन नंबर 55 के अनुसार है, कोपेन के सिंबल के अनुसार कौन सा एरिया के कौन सा सिंबल किस एरिया को दिखाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ये वाला। यहाँ पे आप देखेंगे तो AW, सबसे पहले AW दिखाता है स्वाना टाइप को, उसके बाद CW दिखाता है चाइना टाइप को, CF जो दिखाता है वो दिखाता है वेस्टर्न टाइप को, और CS मेडिटेरियन टाइप के क्लाइमेट को दिखाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशन ऑफ क्वांटिटी अप्रोच, और यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ह्यूमन वैल्यू। वैल्यू फ्री ऑब्जेक्टिव रिसर्च इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ, और करेक्ट आंसर है यहाँ पे पॉजिटिविज्म। ये पॉजिटिविज्म के अंदर कहा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है 58 क्वेश्चन, द जर्नल एंटीपोड रिलेटेड टू रेडिकल ज्योग्राफी वाज स्टार्टेड फ्रॉम द क्लार्क यूनिवर्सिटी। ये करेक्ट आंसर है आपका क्लार्क यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर है 59, द कॉन्सेप्चुअल थॉट रिलेटेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फाउंड इन द पैराडिग्म ऑफ। यहाँ पे भी बहुत बड़ा डिलेमा है, और ये है कि फेमिनियन कभी नहीं सुना, नारीवाद कभी सुना ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये आइडियलिज्म इसका आंसर होना चाहिए, फिर भी यदि किसी बुक में मिलता है तो आप इसके आंसर के बारे में हमें जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारे सामने वो क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन है कि मैच द फ्लोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये क्या प्रोपोनेंट है, और ये है वर्क पीटर गाउल्ट का, और इसका करेक्ट आंसर है मेंटल मैप। एच साइमन का इसका है सेटिस्फायर मॉडल, एलन प्रेड का बियर मैट्रिक्स, और जे वॉलपर्ट का डिसीजन प्रोसेस इन स्पेशियल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 61, और 61 क्वेश्चन हमारे सामने, द ओरिजिन ऑफ मैक्सिमम लेक ऑफ द कनाडा इज रिलेटेड टू, आंसर है इसका ग्लेशियल प्रोसेस। और नेक्स्ट है गायट क्या है, ये है एक फ्लैट टॉप सी माउंट, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ लेटरल हिल स्लोप। इसका सही आंसर आता है यहाँ पे फ्री फेस, और यहाँ पे ए और बी, ए और आर दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। वो क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज फॉर्म्ड बाय हैवी मेटल, हैवी मेटल का बना हुआ है, क्योंकि हैवी मेटल आर अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो आंसर होगा यहाँ पे ए, क्योंकि ए सही उत्तर है और आर उसकी एक्सप्लेनेशन करता है। नेक्स्ट है और क्वेश्चन नंबर है 65, द एंगल ऑफ हेड इन फॉल्ट इज मेजर्ड, ये 90 डिग्री माइनस डिप, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है करंट फ्लोइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स आर नोन एज, करेक्ट आंसर यहाँ पे है ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 66
7 काउंटर करंट, ये किसकी काउंटर करंट है और इसका सही आंसर है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ हेलोकनाइलन जोन और इसका करेक्ट आंसर है 300 to 1000 meters। नेक्स्ट है और वो 69 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ओशियनिक डिपोजिट कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ओशियन बॉटम। यहाँ पे आंसर के अनुसार ऑर्गेनिक डिपोजिट है, परंतु ये इंटरनेट पे हम ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरे अनुसार टेरिजेनियस डिपोजिट होना चाहिए, परंतु ये नहीं दे रखा, इसके बारे में बुक से देख के कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 और 70 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बायोमास बायोम्स ऑफ द ओदर, और यहाँ पे है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉपिकल, उसके बाद टेम्परेट और टुंड्रा। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच करेक्टली, और यहाँ पे आप देखेंगे जो करेक्ट नहीं है वो है आरजे जॉनस्टन का मेथड एंड पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी, ये बनेगा इसका आंसर, परंतु यहाँ पे नोट को ध्यान रखें। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर है 72 और करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आप देखें पॉजिटिविज्म दिया था तुआन ने, उसके बाद स्टोप एंड गो डिटर्मिनिज्म ये दिया था ग्रिफ्थ टेलर ने, क्लाइमेट डिटर्मिनेशन हंटिंगटन ने, बाकी पॉसिबिलिज्म ओएचपीट बच ही गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 है हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्राई टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड मैप ऑन स्केल, करेक्ट आंसर इज एनिक्जिमिंडर। नेक्स्ट है 74, जर्मन वर्ल्ड लैंडशाप वाज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, करेक्ट आंसर इज कार्ल सोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, हु पब्लिश ए ज्योग्राफिकल आर्टिकल बेस्ड ऑन इंडिया ऑन फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस 1872, करेक्ट आंसर इज विडाल डी लाब्लाच। 76 क्वेश्चन है, हाइट ऑफ द अर्थ पैक्टिव एटमोसफेयर एट विच सोलर कंस्टेंट इज कैलकुलेटेड, और करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा 480 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन नंबर 77, ये है कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द लेयर एटॉमिक गैस इन द एटमोसफेयर इज, यहाँ पे सबसे हैवी जो गैस है वो है नाइट्रोजन, उसके बाद बनती है ऑक्सीजन, फिर बनती है हीलियम और उसके बाद बनती है हाइड्रोजन, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो गया ए। नेक्स्ट है अरोरा इज रिलेटेड विद, और ये बनता है आयनोस्फीयर से, आयनोस्फीयर के अंदर ये होता है, एक्सोस्फीयर के अंदर नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा सी आयनोस्फीयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 और ये दो स्टेटमेंट दे रखी है ए और आर, हमें ढूंढनी है कि कौन सी सी है, शिफ्ट ऑफ पाई टी सी जेड ग्रेटर ओवर द लैंड सरफेस देन द सी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इन समर सीजन सी एरियाज आर मोर हीटेड देन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है 80 नंबर मैच करना है, त्रिवार्था ने वैल्यू ऑफ एल्बिडो दी 34, मोलर ने 35, क्रिचफील्ड ने 30 और स्टालर ने 32, तो करेक्ट आंसर बन गया ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ए सोशल ऑर्गेनिज्म, करेक्ट आंसर इज ह्यूमन। विच वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और ये बन गई हिंदी, देखिए पहली मंदारिन है जिसको चाइना भी कहते हैं, चाइनी लैंग्वेज, दूसरी है इंग्लिश और तीसरी बन गई हिंदी। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन के सिक्वेंस ढूंढनी है और कल्चरल एरिया के अनुसार, पहले बनेगा कल्चरल रीजन, फिर बनेगा रियलम और फिर बनेगा वर्ल्ड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84 है, द अर्ब कल्चर रियलम इज बर्थ ऑफ विच रीजन विच रिलीजन, बोथ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज डी। नेक्स्ट है 85, हु एडवोकेट अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइबल सेटलमेंट एज ए सॉर्ट ऑफ नेशनल पार्क इन द वाइल्ड एरिया, करेक्ट आंसर इज वी एलविन। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन, एज पर सेंसस ऑफ द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन एरिया, देखिए यहाँ पे पहली भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है, तीसरी भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, परंतु कुछ चीजें जैसे कैंटोनमेंट नहीं आती, टूरिज्म ऑफिस नहीं आता है, तो ये दो चीजें नहीं आती हैं, बाकी सारी चीजें फोर्थ में होती हैं, तो इसलिए ये कट सकता है, तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ पे डी, जबकि मोस्टली ने ये लगाया था, तो ये एक विवाद का क्वेश्चन है और ये एक ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन भी जरूर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेट्रोपोलिस ऑफ द वर्ल्ड वाज लंदन, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या सबसे पहले बड़ी थी। अकॉर्डिंग टू लिविस मम्फोर्ड द स्टेज ऑफ हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ द टाउन इन द साइन ऑफ डिक्लाइन आर आल्सो इन, करेक्ट आंसर इज मेगापोलिस अकॉर्डिंग टू की, परंतु मेरे अनुसार ये टायरनापोलिस होना चाहिए। आप जरूर बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन, एज पर सेंसस 2011 स्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियन सिटीज इन इंडिया इज, यहाँ पे करेक्ट आंसर केरला दे रखा है की के अनुसार, पर मेरे अनुसार ये गलत है, यहाँ पे महाराष्ट्र होना चाहिए। आप जरूर बताना इसके बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 है, हु ट्रांसलेटेड द क्रिस्टालर वर्क सेंट्रल प्लेस ऑफ साउदर्न जर्मनी इन इंग्लिश, आंसर इज बास्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है 91 के अनुसार है, फॉर्मल रीजन है रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ फोक नॉलेज, फंक्शनल रीजन ये बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग रीजन एरिया इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर अप्लाइड, और उमलैंड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड सिटी, देन करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज 92 क्वेश्चन, हु हैज एडवोकेटेड बैलेंस ग्रोथ अप्रोच इन रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, आंसर इज आर नुरक्से या नरक्स। 93 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग द नॉन स्पेशियल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, करेक्ट आंसर इज रोस्टो। क्वेश्चन नंबर 94 अकॉर्डिंग टू आर पी मिश्रा द प्लान्स टू इंडिया द सिक्वेंस ऑफ फाइव टियर ग्रोथ पोल हायरार्की, फर्स्ट इज सेंट्रल विलेज, देन सर्विस सेंटर, देन ग्रोथ पॉइंट, देन ग्रोथ सेंटर, देन ग्रोथ पोल। नेक्स्ट इज 95 क्वेश्चन, हु डिवाइडेड इंडिया इंटू 3 लार्ज रीजन एंड 22 सब रीजन, आंसर इज डी स्टाम्प। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 96, द मोस्ट स्टेबल रीजन फॉर टाइडल एनर्जी इन इंडिया इज द गल्फ ऑफ खंबात, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97, Which one of the following is an example of fault and block mountain? Correct answer is Satpura mountain. Next question is question number 98. Volcanic island in India is Narkondam. Narkondam is the right answer. Next is question number 99. Which one of the following measures are adopted in India to control desertification? The correct answer is first and second stabilization of dune and afforestation inset of pattern peripheral area of desert region. Then question number 100, it is for which of the following marriage is most prominent cause of the migration of India? Correct answer is rural to rural migration, that is the correct answer. These are the 100 questions that we have completed. I think you like this content. If you like our content, then please subscribe our channel. यदि आपको हमारा content पसंद है तो आप like कीजिए, अन्यथा आप dislike भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।